10 बजे की बड़ी खबरों से हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पहली अहम खबर नालंदा से आई है। मुगल कुआं न्यू रोड पर बिहार थाने की पेट्रोलिंग जीप पलटने से 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पेट्रोलिंग जीप इलाके में गश्त लगा रही थी, जिसमें जीप ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क किनारे पलट गई। सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। इस सड़क हादसे में एक SI समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो नालंदा से बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से पुलिसकर्मियों की जीप पलट गई। बताया जा रहा है कि जीप ने अपना संतुलन खो दिया था, अनियंत्रित होकर के ये गाड़ी पलट गई और इस पूरे हादसे में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। दरअसल ये जीप पेट्रोलिंग पर निकली थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता दीपक विश्वकर्मा हमें ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, पुलिसकर्मियों की हालत कैसी है? देखिए अंजलि, दुर्घटना के बाद सभी को सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी पुलिसकर्मी जो छत है सभी सुरक्षित हैं और उन्हें इलाज के बाद उन्हें अपने आवास पे भेज दिया गया है। लेकिन ये बड़ी घटना कहा जाए, आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना बड़ा हादसा था, गाड़ी किस तरह से पलटी थी, तो ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा हादसा वो टल गया और चोटें आई, केवल किसी की मौत नहीं हुई। अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका दीपक पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। फिलहाल 6 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, बेहतर इलाज उन्हें मिल रहा है। ये वही जीप है जिसपे पेट्रोलिंग के लिए निकले थे 6 पुलिसकर्मी और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ये जीप पलट गई और उसके बाद ये हादसा देखने को मिला है। वहीं पटना के कोतवाली थाना के हड़ताली मोड़ के पास दो कार की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो कल देर रात हड़ताली मोड़ के पास एक दुर्घटना हुई है, दो कार की आपस में टक्कर हो गई। ये टक्कर जबरदस्त थी, दोनों कार के परखच्चे उड़ गए थे। दोनों कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। छपरा से भी एक हादसे की खबर आ रही है। ऑटो पलटने से दो लोगों की मौत हो गई है। NH 102 छपरा मुजफ्फरपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो छपरा में भी एक सड़क हादसा हुआ है, ऑटो दरअसल पलट गया यहां और दो लोगों की मौत हो गई है। जी मीडिया संवाददाता राकेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। राकेश, मृतकों की शिनाख्त हो गई है क्या? देखिए, ये मृतक जो है ये दोनों पिता पुत्र हैं जो ऑटो से छपरा जा रहे थे और इसी क्रम में राजा चौक के पास जब ऑटो पलट गई तो इन पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि उनकी जो पत्नी है जो अजय सिंह जो जिनकी मौत हुई है उनकी हालत गंभीर है। जी बहुत शुक्रिया आपका राकेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों बाप बेटे बताए जा रहे थे जो कि ऑटो से छपरा जा रहे थे और उसी दौरान ये ऑटो हादसे का शिकार हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला देखने को मिला है। तेजस्वी के नाम एक और खुला पत्र जारी किया है। पत्र के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं, राबड़ी देवी से कई सवाल पूछे गए हैं। पूर्णिया में हुए नरसंहारों की याद दिलाई गई है। तो इस पत्र में पूर्णिया में हुए नरसंहारों की याद दिलाते हुए पूछा गया है तेजस्वी यादव से, चूंकि तेजस्वी इस वक्त न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और अगली यात्रा उनकी पूर्णिया पहुंचने वाली है। इसलिए जेडीयू के प्रवक्ता और MLC ने पूछा है नीरज कुमार ने कि क्या पूर्णिया में जो नरसंहार हुए थे उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे तेजस्वी। नीतीश सरकार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संविधान बचाओ न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। तेजस्वी यादव आज किशनगंज में होंगे। तेजस्वी यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं 13 फरवरी को तेजस्वी यादव अररिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल जनसभाओं के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित कर सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। अगली यात्रा में वो पूर्णिया पहुंचने वाले हैं और इस न्याय यात्रा में सीधे जनता से मुखातिब हो रहे हैं तेजस्वी यादव और सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रख रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तेजस्वी का यह कहना है कि जब बजट सत्र की शुरुआत होगी उस दौरान सदन में सभी मुद्दों को वो रखेंगे। ग्वालियर में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज ग्वालियर में हैं। सीएम आज यहां बिहार के निवासियों से चाय पर चर्चा करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम चैंबर ऑफ कॉमर्स में दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा।
ग्वालियर में रह रहे बिहार के प्रवासियों का सम्मान भी किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज सुबह 10:45 पर जिवाजी विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के साथ भारतीय रेडक्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा द्वारा ग्वालियर को दिव्यांगता मुक्त घोषित करने और कृत्रिम अंग वितरण के समारोह में भी हिस्सा लेंगे। वहीं आईटीएम विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के साथ चतुर्थ डॉक्टर लोहिया स्मारक व्याख्यान 2018 में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में आज हैं सीएम नीतीश कुमार, यहां कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार के जो लोग ग्वालियर में रह रहे हैं उनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स में ये प्रोग्राम है उनका, जहां बिहार के लोगों से बातचीत होगी और साथ ही साथ जो बिहार के लोग हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और ये ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और यहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पहुंचना है। लाइव तस्वीरें हैं वहां से, थोड़ी देर बाद यहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चाय पर चर्चा करेंगे बिहार के निवासियों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि ग्वालियर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम हैं, जिनमें से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है। और सबसे अहम जो है वो है चाय पर चर्चा बिहार के निवासियों के साथ ग्वालियर में। चैंबर ऑफ कॉमर्स में ये संवाद कार्यक्रम है, बिहार के कई लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं जो कि ग्वालियर में रहते हैं। कुछ लोगों को सम्मानित करने की भी बात सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता विवेक से हम बात करेंगे, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की जहां सीएम नीतीश कुमार को पहुंचना है। बताया यह भी जा रहा है विवेक कि बिहार के जो लोग ग्वालियर में रहते हैं कुछ वैसे ही चुनिंदा लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। कौन कौन से वो लोग हैं और पूरा कार्यक्रम क्या है, इसके ऊपर जानकारी दीजिए। विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि ग्वालियर से संवाददाता विवेक के साथ जल्दी से हमारा संपर्क हो ताकि कार्यक्रम के बारे में और जानकारी हम ले सके और दर्शकों तक पहुंचा सके। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं ग्वालियर के उसी चैंबर ऑफ कॉमर्स से जहां पर चाय पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्वालियर में जो बिहार के लोग रहते हैं उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और कुछ चुनिंदा लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। और अब बात भागवत के बिहार दौरे की। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 6 फरवरी से 15 फरवरी तक 10 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। मोहन भागवत आज पटना में संवर्धन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भागवत पटना के शाखा मैदान में स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। 12 फरवरी को भी कई स्तर की मीटिंग होनी है जिसमें आरएसएस प्रमुख हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत 15 फरवरी को भागवत पटना से रवाना हो जाएंगे। तो आज पटना में कार्यक्रम है सरसंचालक मोहन भागवत का, जहां स्वयंसेवकों से वो मुलाकात करेंगे और स्वयंसेवकों तक अपनी बात भी पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आइए सीधे पटना का रुख करते हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रजनीश, कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं और कुल कितने स्वयंसेवक पहुंचने वाले हैं इस कार्यक्रम में सरसंचालक को सुनने के लिए? देखिए, मोहन भागवत के इसके दौरे को लेकर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है। तैयारियां पहले से ही की गई हैं और चूंकि ये काफी लंबा प्रवास रहा बिहार का, अभी 6 तारीख से लगातार मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम चल रहा था और बीती शाम वहां पे जो बांद्रा प्रखंड है वहां पे जाकर उन्होंने किसानों के साथ मिलकर बातचीत की है। और इसके अलावा जो समापन सत्र था वहां पे जो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जो कार्यशाला चल रही थी उसमें वो चर्चा कर रहे थे, उसके समापन सत्र का वहां पे वो संबोधन किए हैं। आज वो पटना पहुंच रहे हैं और यहां पे शाखा मैदान में 3 बजे से खुली चर्चा है और जितने भी आनुषांगिक संगठन है संघ के, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे संगठन हो, तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद होंगे और चाहे वो उसमें कई सारे मंत्री विधायक भी बीजेपी के वो भी मौजूद होंगे, साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित होंगे और खुली चर्चा होगी। 3 से 5 2 घंटे का कार्यक्रम है। हाँ। उसमें अपनी ओर से बातों को भी रखेंगे और मोहन भागवत को भी सुनेंगे। तो जाहिर तौर पर जब संघ संचालक मोहन भागवत अगर बिहार में होते हैं तो बीजेपी को निश्चित तौर पर इससे ऊष्मा मिलती है और चूंकि अभी चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं तो तमाम सारे लोगों
की नजर जो है उन पे टिकी होगी। आपको पूरी जानकारी देने के लिए तो आज पटना में कार्यक्रम है सरसंचालक मोहन भागवत का, जिसमें कई स्वयंसेवक पहुंचने वाले हैं सरसंचालक की बातों को सुनने के लिए। कार्यक्रम पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। बहरहाल एक बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, वो आपको दे देते हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। मृतक की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। बरौली के मांडनपुर की एक घटना है, तो गोपालगंज की एक घटना है जहां एक युवक की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को नहर में फेंक दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बरौली के मांडनपुर की ये पूरी घटना है। गोपालगंज की खबर है, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया है। ये शख्स कौन है जिसकी हत्या की गई है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है और ना ही ये पता चल पाया है कि अपराधी कौन थे जिन्होंने इस शख्स की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी शव को देखकर और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में उपचुनाव के पहले जेडीयू विधायक सरफराज अहमद ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी के आने जाने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता है। सरफराज के आरजेडी में जाने से उनकी जीत सुनिश्चित नहीं होती है। वहीं अशोक चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस को सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि पार्टी चुनाव लड़े। सिर्फ लालू जी की बात मानने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। दरअसल लालू प्रसाद ने उपचुनाव में सभी सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। और कांग्रेस को अपने अलायंस पार्टनर के साथ मजबूती से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, उनको भी तो उम्मीद है ना पार्टी में, क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन हो। मैं समझता हूं कि अलायंस पार्टनर को भी हम नेशनल बिग पॉलिटिकल पार्टी हैं और बीजेपी से हम लड़ रहे हैं। जब तीनों सीट बीजेपी लड़ रही है यहाँ पे, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहिए। तो कैसे कांग्रेस को कैसे बढ़ाइएगा, कांग्रेस को कैसे बढ़ाइएगा? तो फिर जो लालू जी कहते हैं उसी बात पर आप रहिए। जब लालू जी जो कहते हैं सब उनकी बात मानिए, फिर तो किसी एक अलायंस पार्टनर के भरोसे रहना पड़ जाएगा। तो अशोक चौधरी की इन बातों से ये तो कम से कम समझ में आ रहा है कि वो आरजेडी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और कहना यह है कि आरजेडी जो दावा कर रही है कि सभी सीटों पर वो खुद ही चुनाव लड़ेगी, तो इस पर कांग्रेस को दखल करना चाहिए और कहना चाहिए कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आशुतोष, अशोक चौधरी के इस बयान को हम किस तरीके से देखें? देखिए, कल जिस तरह से प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने साफ तौर पर कहा था कि उपचुनाव लड़ने के मसले पर कि कांग्रेस को जीत से मतलब है, सीट से मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है वो ये सोच रहे हैं कि शायद आरजेडी के दबाव में कांग्रेस उपचुनाव में शामिल ना हो, इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है, ताकि कांग्रेस इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस ये समझ रही है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के उपचुनाव में परिणाम आए हैं या फिर गुजरात का चुनाव परिणाम है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता उत्साहित है और वो चाह रहे हैं कि वो उपचुनाव में पार्टिसिपेट करें। हालांकि अभी प्रभारी अध्यक्ष ने खुलासा नहीं किया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन कौन सी सीट पर उनके उम्मीदवार होंगे, लेकिन अशोक चौधरी के बयान के बाद ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पर चुनाव लड़ने का दबाव है और कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि चुनाव लड़े, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा था कि सारी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद इस तरह के सवाल उठने लगे थे कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अशोक चौधरी के इस बयान से ये कम से कम समझ में आ रहा है कि कांग्रेस आरजेडी की बात सिर्फ ना माने, कुछ राजनीति में सक्रियता अपनी दिखा और उपचुनाव को लेकर के थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि चुनाव उपचुनाव में लड़े। इधर सरफराज अहमद के आरजेडी में शामिल होने पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा है कि हमारे एक विकेट गिरने से खुश नहीं होते तेजस्वी, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और तेजस्वी के कितने विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं उन्हें मालूम नहीं है। आरजेडी के विधायक मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार की काफी तारीफ करते हैं और जल्दी ही तेजस्वी को इसका एहसास हो जाएगा। वहीं उपचुनाव में जेडीयू की दूरी पर भी सफाई दी है। संजय सिंह ने कहा है कि उपचुनाव में कोई भी सीट हमारी नहीं थी, हालांकि जेडीयू सहयोगी दलों को सपोर्ट करेगी।
क्रिकेट में 11 प्लेयर का गेम होता है, एक विकेट गिरने से कुछ नहीं होने वाला है। गलतफहमी में नहीं रहे तेजस्वी यादव जी, उनका कुनवा जो है ना कितना साफ होने वाला है इनको पता नहीं है। उनके कितने विधायक नीतीश जी के बैठक में नीतीश कुमार जी का बड़ाई करते हैं, आने वाला समय बताएगा कि किसका कितना विकेट गिरा है। गलतफहमी में न रहे तेजस्वी यादव जी, अपने घर को संभाल कर रखे, कितने विधायक हम लोग के संपर्क में इनको पता नहीं। जदयू ने निर्णय लिया है तो उसके पीछे यही है कि हमारा तीनों सीट नहीं था और जो दिवंगत साथी का देहांत हुआ है वो हमारा सीट नहीं था, इसलिए हम लोग ने तय किया, जदयू ने तय किया कि हम वैसे जगह पर उम्मीदवार नहीं देंगे जहां की देहांत हुआ, और एनडीए अगर लड़ेगा तो हमको समर्थन करेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आशुतोष, संजय सिंह ये तो कह रहे हैं कि एक विकेट गिरा करके ज्यादा खुश ना हो आरजेडी, लेकिन हकीकत यह है कि आरजेडी ने जेडीयू का एक विकेट गिरा दिया है। जेडीयू कितने विकेट गिराएगी आरजेडी की, या सिर्फ बातें ही बनाएगी? देखिए, ये स्वाभाविक है और ये राजनीतिक दलों की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, और चूंकि अभी जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है और दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो ये है कि विधायक जो है वो इस्तीफा समय से पहले दे चुके हैं जेडीयू के, और साथ ही साथ जेडीयू ने ये भी ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव में पार्टी नहीं जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा झटका जरूर जेडीयू के लिए है, और इसको लेकर के विपक्ष पूरी रणनीति तैयार कर रहा है और हमला बोल रहा है। लेकिन जेडीयू की भी तैयारी है कि आने वाले समय में, हालांकि हाल फिलहाल में कोई बड़ा चेहरा एक आरजेडी की तरफ से आरजेडी को छोड़कर जेडीयू ज्वाइन करे इसकी तैयारी की जा रही है, हालांकि इस बात का खुलासा नहीं है कि कब कहां और कैसे ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इसका जवाब, सरफराज का जवाब जेडीयू खोजने की कोशिश कर रही है और उनसे कुछ बड़ी खबर भी मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जैसे ही जेडीयू को पटखनी दी है एक विधायक छीन करके आरजेडी ने, तो जेडीयू भी ये चाह रही है कि आरजेडी के खेमे से भी किसी एक को निकाला जाए। आगे क्या हलचल होगी, क्या परिस्थितियां होगी, इससे जरूर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। एक तरफ जेडीयू में घमासान मचा है तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी कोहराम है। कांग्रेस का असंतोष है आरजेडी के रवैये को लेकर। उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के आरजेडी के फैसले पर कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी जताते हुए आरजेडी से रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है। बिहार उपचुनाव में आरजेडी की ओर से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। पार्टी नेता आरजेडी के एकतरफा फैसले से नाराज हैं। एमएलसी दिलीप चौधरी ने कहा है कि आरजेडी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि बिहार में कोई नेतृत्व है क्या? तो जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है उसमें तो भगवान भरोसे कांग्रेस चल रही है बिहार में। लड़ना चाहिए क्या सभी सीटों पर? निश्चित रूप से। अभी राजस्थान का अच्छा रिजल्ट हुआ है, गुजरात में प्रदर्शन अच्छा हुआ है, बिहार में भी आजमाना चाहिए। कांग्रेस स्वतंत्र लड़े, स्वतंत्र लड़े या फिर मान लीजिए कोई अपना तालमेल करके कोई सीट तो लड़ना ही चाहिए ना। कांग्रेस के कई नेता आरजेडी के ऐलान से सकते में। पार्टी के एमएलसी रामचंद्र भारती ने तो लालू यादव को दागी और सजायाफ्ता बताते हुए आरजेडी से नाता तोड़ने तक की धमकी दे दी है। कांग्रेस को तो सभी सीट पर चुनाव लड़नी चाहिए। मेरा तो पहले से ये है कि लालू जी के साथ नहीं होनी चाहिए, न रहना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि लालू जी दागी हैं। फिर कांग्रेस को उसके साथ रहने का क्या तुक है? कांग्रेस को स्वतंत्र चुनाव लड़नी चाहिए, अलग लड़नी चाहिए सभी सीट पर। जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी सभी पार्टी नेता इस मामले में आला कमान से दखल देने की मांग कर रहे हैं, पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का रुख फिलहाल नरम है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी का कहना है कि पार्टी के लिए सीट नहीं जीत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है उन्होंने बोली है, ऐसा तो हम तमाम लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और हमारी सोच है कि महागठबंधन जीते, उनकी भी सोच है कि महागठबंधन जीते। बैठ के निर्णय हम लोग करेंगे, बैठेंगे, अब तारीख की घोषणा हुई है तो आला कमान इस स्तर के बातों का फैसला लेते हैं, तो एक बार बैठ करके हम लोग बात करेंगे। जो आला कमान का निर्णय होगा उसको हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मिलजुल के प्रयास है कि हम लोगों को तीनों सीट जो है भारी महत्व से हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि दोनों दलों के नेता आपस में बात कर इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे, पर जिस तरह पार्टी के अंदर आरजेडी को लेकर विरोध बढ़ रहा है उसका असर उपचुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।
पटना से अगवा छात्र अविनाश विक्रम से बरामद कर लिया गया है। इनकी परीक्षा देने के लिए घर से निकला था छात्र विक्रम में हिमालयन स्कूल के पास बदमाशों ने उसे छोड़ दिया। अपराधियों का अब तक सुराग नहीं मिला है। पटना से खबर है जहां पर्यावरण संरक्षण और महिला छेड़खानी के खिलाफ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यूथ फॉर स्वराज की ओर से आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अशोक घोष, राइटर ममता मेहरोत्रा समेत कई जाने माने लोग मौजूद रहे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ बोर्ड के प्रयास से संभव नहीं है, इसके लिए आम लोगों की सहभागिता भी जरूरी है। वैलेंटाइंस डे अब दूर नहीं है, ऐसे में पटना की फिजाओं में भी प्यार के इजहार का रंग खूब दिखाई दे रहा है। यूं तो राजधानी के ज्ञान भवन में लगा खादी मेला सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन यहां असली गुलाब से भी ज्यादा कदरदान है सिंथेटिक गुलाब के। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्यार के इजहार का मौसम, मचल रहे हैं गुलाबों के कदरदान। असली गुलाब पर भारी सिंथेटिक गुलाब की चाहत। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में लगे खादी मेले में हर तरह के हस्तशिल्प का स्टॉल लगा है और अपने अपने हुनर को प्रदर्शित करने राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। वैलेंटाइन सामने है और इसको लेकर इन स्टॉलों पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है गुलाब। खास कपड़े का बना ये गुलाब बिल्कुल वास्तविक गुलाब जैसा है और प्यार के इजहार वाले इस मौसम में इन गुलाबों के कदरदान बढ़ गए हैं। मार्केट में गुलाब का रेट बहुत ज्यादा है, बट ये वैलेंटाइन के लिए और खास करके कपल्स के लिए बहुत अच्छा है। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आर्टिफिशियल, ये बिल्कुल नेचुरल की तरह। लेकिन जब यहाँ आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत सारे फ्लावर सब हैं, उसमें ये जो रेड वाली रोज है, पिंक और ये व्हाइट, ये तीनों के तीनों जो है ना ऐसे हैं कि जिसको वैलेंटाइन डे पर अगर हम किसी को गिफ्ट भी करें तो वो इसको जो है ना हटा नहीं सकता है, ना मुरझाएगा और ना ही इसको जो है इसकी खुशबू जो है हमेशा बरकरार रहेगी। गुलाब की मांग बढ़ी तो इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई। पहले जहां 8-10 गुलाब बमुश्किल बिक पा रहे थे, वहीं अब सैकड़ों की संख्या में बिक रहे हैं। वैलेंटाइन डे जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे गुलाब का जो रेट है और जो सेल है वो काफी बढ़ता जा रहा है और लोग काफी उत्साह से गुलाब को खरीद के ले जा रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने लव्ड वंस को देने के लिए। वैलेंटाइन डे के लिए पटना में खास तैयारियां की गई हैं। कोलकाता और बेंगलुरु तक से गुलाब मंगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक गुलाब कम समय के लिए टिक पाता है, इसलिए वास्तविक दिखने वाले इस कृत्रिम गुलाब ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली है। नेचुरल गुलाब के साथ साथ जो आर्टिफिशियल गुलाब है उसका भी क्रेज बढ़ा है और इसके खरीदारी और मांग दोनों में बढ़ोतरी हुई है और लोग बड़े शौक से इस गुलाब को खरीद रहे हैं। कैमरामैन अनिमेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। ग्रेट में जी बिहार झारखंड सबसे आगे।